अजनोई गांव के पास जंगल में हुई गोलीकांड में फरार आरोपी जंगल में मिली लाश पुलिस तफ्तीश में जुटी। खबर कराहा से है, जहां आरोपी मनोहर गुर्जर निवासी भैरोपुरा का उसके गांव के सतवीर गुर्जर से जमीनी विवाद चल रहा था। मानपुर थाने की ये सारी घटना थी, जिसमें आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को आरोपी ने लाइसेंस से बंदूक से सतवीर गुर्जर को गोली मारकर फरार किया था। घटनास्थल पर पुलिस ने आरोपी की बंदूक को भी बरामद कर लिया था। मंगलवार की देर शाम आरोपी मनोहर गुर्जर के करीब 60 किलोमीटर दूर सेसेपुरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कटेला के जंगल में मिली लाश सेसेपुरा पुलिस ने आज कराहल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं थाना प्रभारी महेंद्र धाकड़ का कहना है कि अभी जांच पड़ताल की जा रही है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कल एक शव मिला है सर जंगल में, क्या ये घटना है सर पूरी? जी कल एक ग्राम चौकीदार कपिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके यहाँ एक खेत में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो इसकी शनाख्ती गई थी। बाद में जो राम गुर्जर के रूप में उसकी शनाख्ती हुई है, सबको पीएम के लिए मर्चरी रूम में रखवा दिया है, जांच जारी है। क्या लगा सर सब पे, सर कोई निशान वगैरह क्या लगा सर प्रथम दृष्टया? सब पे तो कोई यदि कोई चोट के निशान नहीं है, जो पीएम के बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, अभी पीएम जारी है सर? हाँ पीएम हो रहा है, पीएम डॉक्टरों की टीम द्वारा पीएम किया जा रहा है। परिजनों द्वारा सर कुछ कहा जा रहा है क्या सर? अभी इस संबंध में जांच जारी है, अभी कुछ नहीं। मुकेश गुर्जर। मुकेश जी, ये कौन है जो जिनका शव मिला आया? ताऊ जी मेरे। क्या लग रहा है, क्या समझ रहे हो इसमें आप? अभी कुछ कह नहीं सकते, पीएम के बाद ही पता चलेगा। कब पता लगा आपको इनके बारे में? कल शाम को 7 बजे पुलिस द्वारा सूचना की गई आपको? हाँ। अभी क्या पीएम करवाया जा रहा है? हाँ चल रहा है अभी।